यूके इलेक्शन पर सबसे बड़ी खबर, ऋषि सुनक की विदाई लगभग तय। यूके के नए प्रधानमंत्री होंगे कीर स्टार्मर। कीर स्टार्मर कौन है? इस बार एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग तो यही लगता है कि हाँ, लेबर पार्टी आएगी। I think Labour is going to win this time because Conservatives haven't been good for the past few years. 5 जुलाई का दिन ब्रिटेन के चुनाव के लिए बेहद अहम है। ब्रिटेन चुनाव के लिए शुक्रवार को वोटों की गिनती जारी है। एग्जिट पोल के अनुरूप मुख्य विपक्षी यानी कि लेबर पार्टी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। शुरुआती नतीजों में लेबर पार्टी 274 सीटें जीत चुकी है, जबकि सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी अब तक सिर्फ 51 सीटें जीत पाई। नजर डालें लिबरल डेमोक्रेट्स पर तो उनके पास 16 सीटें आई हैं, SNP ने 2, रिफॉर्म यूके ने 2 सीटें जीती है, जबकि ग्रीन पार्टी का अभी तक खाता भी नहीं खुला। ऐसे में सवाल ये बनता है कि ऋषि सुनक के बाद अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ लेंगे कीर स्टार्मर, वो कौन है? ऐसे में सवाल बनता है कि अब यूके के नए PM जिनकी संभावना जताई जा रही है कीर स्टार्मर, वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है? बता दें कि लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर ने कहा कि मतदाताओं ने फैसला सुना दिया कि वे बदलाव के लिए तैयार हैं। स्टार्मर अपनी सीट पर भी चुनाव जीत गए। पार्टी की जीत के बाद वे देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मतगणना के शुरुआती नतीजों के मुताबिक लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर का प्रधानमंत्री बनना तय है। वहीं हार की आशंका के बीच ऋषि सुनक ने ऐलान कर दिया कि वे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इससे पहले वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल में भी लेबर पार्टी की प्रचंड जीत का अनुमान लगाया गया था। BBC एप्सोस एग्जिट पोल में कीर स्टार्मर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी के 410 सीटें जीतने का दावा किया गया, जबकि मौजूदा PM ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी को महज 131 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। साल 1963 में कीर स्टार्मर सरे एक मजदूर वर्ग के परिवार में जन्मे थे। उनका परिवार काफी मुश्किलों से गुजरा, जिससे स्टार्मर का भी सामना हुआ। उनके पिता एक टूल मेकर थे जिनकी स्टार्मर से करीबी नहीं थी। स्टार्मर की माँ एक बीमारी से जूझ रही थी। स्टार्मर का नाम कीर बेहद असामान्य माना जाता है। उनके समाजवादी माता पिता ने लेबर पार्टी के संस्थापक कीर हार्डी को श्रद्धांजलि के रूप में उनका नाम कीर चुना था। कीर स्टार्मर पेशे से वकील रह चुके हैं। एक नजर डालते हैं स्टार्मर के उन वादों पर जो कि ब्रिटेन चुनाव में बेहद काम आए। दरअसल इमिग्रेशन को लेकर उन्होंने सीमा सुरक्षा कमान की स्थापना करने की योजना बनाई। ये कमान छोटी नाव के जरिए अवैध तरीके से लोगों को देश में आने से रोकेगी। आवास क्षेत्र में स्टार्मर का लक्ष्य पहली बार घर खरीदने वालों को बढ़ावा देना है। इसके लिए ऐसी योजना शुरू की जाएगी जो उन्हें नए आवास विकास में प्राथमिकता देगी। साथ ही 15 लाख नए घर बनाने के लिए कानूनों में सुधार का वादा किया गया। शिक्षा उनकी एक और प्राथमिकता है। स्टार्मर ने 6,500 शिक्षकों की भर्ती करने और प्राइवेट स्कूलों के लिए टैक्स समाप्त करने का वादा किया।